Good morning, friend. How are you? I hope you all are very well. ठीक है, तो जैसा कि हमारा जो प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम लोगों ने एडिक्शन के बारे में डिस्कस किया था। दो तरह के एडिक्शन को हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट जो था हमारा वो टोबैको का एडिक्शन था और सेकंड जो है वो अल्कोहल का एडिक्शन था। टोबैको एंड अल्कोहल एडिक्शन का हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद में अब हम लोगों को एक देखना है ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह है ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज। देखिए, जब ड्रग अब्यूज की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले ये हमें देखना होगा कि आखिर ड्रग है क्या। ओके, तो अगर हम बात करें यहां पर ड्रग की तो ड्रग का डेफिनेशन हमारा क्या कहता है। ड्रग का डेफिनेशन हमारा कहता है कि यह एक ऐसा सब्सटेंस है, ड्रग वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसके यूज करने से कोई मॉडिफिकेशन होता है हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम में या पैथोलॉजिकल सिस्टम में, और ये जो रेसिपिएंट ऑफ पर्सन है उसमें, तो जो इस ड्रग को लेगा उसमें फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल स्टेट में जो मॉडिफाई होता है उसी सब्सटेंस को हम लोग ड्रग कहते हैं। ड्रग जो है हम लोग ऐसे किसी भी कंपोनेंट को या किसी भी सब्सटेंस को कह सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम मेडिसिन के स्टोर से जो ड्रग लेते हैं वही ड्रग होता है। ड्रग का मतलब कोई भी ऐसे कंपोनेंट जो हम अपने फिजियोलॉजिकल स्टेट को, सिस्टम को ठीक करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए जो यूज करते हैं तो उसी को हम लोग ड्रग कहते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट है, चरस, भांगा, गांजा, अफीम, हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये सब भी जो है वो एक ड्रग ही है। तो ये सारे चीज जो है हम लोग इसी में देखेंगे। तो ड्रग का पहले डेफिनेशन देखें, ड्रग इज एनी सब्सटेंस दैट यूज टू दैट ड्रग इज एनी सब्सटेंस दैट यूज टू मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट टू द रेसिपिएंट तो किसका, तो रेसिपिएंट का, ये सारा चीज है। अब आइए देखिए, ड्रग जो हैबिचुएटिंग ड्रग जिसको लोग यूज करते हैं यानी हैबिचुएटेड होते हैं, उसके अगर टाइप्स की हम लोग बात करें, टाइप्स ऑफ हैबिचुएटिंग ड्रग, दो तरह के, टू टाइप्स के हैबिचुएटिंग ड्रग होते हैं। ओके, एक होता है साइकोट्रॉपिक ड्रग और सेकेंड होता है साइकेडेलिक ड्रग। साइकोट्रॉपिक ड्रग में फोर टाइप बटे हुए हैं। एक होता है ट्रैंक्विलाइजर, सेकेंड होता है सिडेटिव, थर्ड होता है ओपिएट्स, ओपोइड्स और या ओपिएट्स भी बोलते हैं।
एंड फोर्थ होता है अस्टिमुलेन। ये फोर टाइप के हम लोग साइकोट्रॉपिक ड्रग में डील करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग बात करते हैं साइकेडेलिक ड्रग की, तो साइकेडेलिक ड्रग ये टू टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल साइकेडेलिक ड्रग और सेकेंड होता है सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं सिंथेटिक साइकेडेलिक ड्रग। इस नेचुरल साइकेडेलिक ड्रग में हम लोग चरस, गांजा, भांग, हशीश या मैरिजुआना, ये सारे चीज को जो है वो हम लोग इसमें ये नेचुरल में डील करेंगे। इसका सिंथेटिक में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। और इस साइकोट्रॉपिक ड्रग में सबसे ज्यादा जो है वो हम लोगों को ओपियोइड एंड ओपिएट्स के बारे में डील करना है। तो ये जितना भी चीज जैसे मॉर्फिन अभी आगे बताएंगे, बस यहां पे थोड़ा सा एक आपको प्लान दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या हम लोगों को डील करना है। सबको बारी बारी हम लोगों को चलना है, यानी ट्रांसक्यूलाइजर, सिडेटिव, ओपियोइड्स और स्टिमुलेट हम लोग बारी बारी वन बाय वन करके डील करेंगे। बट यहां पे बस ये देख लीजिए कि ओपियोइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसी में हम लोग डील करने वाले हैं। मॉर्फिन के बारे में, हीरोइन के बारे में, फिर स्मैक के बारे में, ये सारा चीज जो है हम लोग इसी में डील करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आइए ओपियोइड भी हम लोग देखेंगे दो टाइप के, एक नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक होता है, वो आगे की बात है। तो सबसे पहले हम लोग ये डेफिनेशन देखें यहां पे कि ये साइकोट्रॉपिक ड्रग क्या है, ओके। तो चलिए पहले साइकोट्रॉपिक ड्रग के बारे में हम लोग डील करेंगे। और साइकोट्रॉपिक जब ड्रग का डेफिनेशन थोड़ा सा देखेंगे इंट्रोडक्शन देखने के बाद में, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, तो ट्रांसक्यूलाइजर को। ट्रांसक्यूलाइजर, फिर उसके बाद सिडेटिव, उसके बाद ओपियोइड्स, ये सारा चीज हम लोग वन बाय वन करके इसको डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये साइकोट्रॉपिक ड्रग। देखिए साइकोट्रॉपिक ड्रग की जब हम लोग बात करते हैं तो साइकोट्रॉपिक ड्रग एक मूड अल्टरनेटिंग ड्रग है, यानी ये हमारे मूड को चेंज करने वाला है। यानी जब हम ज्यादा परेशान है या टेंशन में, तो थोड़ा सा हमें रिलैक्स काल्मनेस देने वाला है। तो मूड, दिस इज ए मूड अल्टरनेटिंग ड्रग, ये हमारे मूड को अल्टरनेट करने वाला ड्रग में से एक है। और इसी साइकोट्रॉपिक में ये जितना भी चीज देखेंगे, यानी ये जितने भी टाइप्स आए हैं, ये सभी जो है वह मूड अल्टरनेटिंग ड्रग के ही पार्ट हैं। तो सारा चीज जो है, जब भी हम बात करेंगे साइकोट्रॉपिक की, तो साइकोट्रॉपिक में ये चारों जो उसके टाइप्स हैं वह इंक्लूड हो जाते हैं। साइकोट्रॉपिक ड्रग या इसको लिख देते हैं इट इज ए मूड अल्टरनेटिंग नेटिंग ड्रग विच एफेक्ट मूड अल्टरनेटिंग ड्रग। और ये मूड अल्टरनेटिंग ड्रग का मतलब हमारे, यानी कि थोड़े से नर्वस सिस्टम को, खास करके सीएनएस को, ये स्लो डाउन करने का काम करता है। यानी ये हमारे मेंटल एक्टिविटी को और हमारे बिहेवियर में इफेक्ट करता है। विच इफेक्ट मेंटल
एक्टिविटी एंड बिहेवियर, मेंटल एक्टिविटी एंड बिहेवियर, इट इज फोर टाइप्स। ठीक है, तो फोर टाइप्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिर कौन सा टाइप की, ट्रांक्विलाइजर की। ट्रांक्विलाइजर जो है उसमें हम लोग देखते हैं, एक्चुअली इस टॉपिक में सिर्फ नोट डाउन करने का, फटाफट काम करने का है और इसे क्वेश्चन रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें बी सेल और टी सेल कैसे एक्शन करता है ये सारा चीज, उसके जैसा कंसेप्चुअल पार्ट तो नहीं है, लेकिन इस चैप्टर का यह सबसे लास्ट पार्ट ऐसा है कि जो इसमें से क्वेश्चन भी रहते हैं और सिर्फ नोट डाउन करने का काम है इसमें। तो इसमें आप बहुत ज्यादा कंसेप्ट सोचेंगे तो वैसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं ट्रांक्विलाइजर, फर्स्ट हमारा क्या है तो वो ट्रांक्विलाइजर के बारे में हम लोगों को देखना है। तो ट्रांक्विलाइजर और ये सारा चीज हम लोग वन बाय वन करके इसको नोट डाउन करेंगे। देखिए अब इसमें फटाफट नोट करेंगे, ट्रांक्विलाइजर क्या कहता है, दे डिक्रीज टेंशन एंड एंजाइटी। ट्रैंक्विलाइजर हमारे टेंशन को और उदासीपन एंजाइटी को दूर करने का काम करता है। तो डे डिक्रीज टेंशन एंड एंजाइटी एंड प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ काल्मनेस एंड प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ कालनेस, फीलिंग ऑफ कालनेस। टू टाइप्स और इसके भी टू टाइप हैं, इट इज टू टाइप्स या सिंपल टू टाइप्स लिख करके और काम खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक होता है फर्स्ट में फेनोथाइजिंस, फेनोथाइजिंस इज द मेजर ट्रांक्विलाइजर एक मेजर होता है और दूसरा माइनर ट्रैंक्विलाइजर होता है। तो ये फर्स्ट टाइप जो हम लोग देख रहे हैं वो है मेजर ट्रैंक्विलाइजर। मेजर ट्रैंक्विलाइजर में हम लोग नोट डाउन करेंगे, दीज आर एंटीसाइकोटिक ड्रग, दीज आर एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग कहने का मतलब समझ रहे हैं, जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब पर्सन है उसके लिए या, यानी एंटी साइकोटिक ड्रग एंड गुड इफेक्ट इन सिजोफ्रेनिया। इट रिड्यूस एग्रेसिवनेस, एंड नॉर्मलाइज हाउ एंड बिहेवियर एंड एंजाइटी, सेकेंड जो इसका टाइप है, टू टाइप में सेकेंड टाइप जिसे माइनर ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं
उससे एक वह है बेंजो डाइजापिन। बेंजो डाइजापिन को हम लोग माइनर ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। यूज फॉर एंजाइटी, यूज फॉर एंजाइटी एंड फोबिक कंडीशन। फोबिक कंडीशन का मतलब जिसमें डर वगैरह है, एंड एंजाइटी एंड फोबिक कंडीशन जैसे नींद वगैरह नहीं आने पे भी जो है ना इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। खासकर के जो उस पर्सन को नींद नहीं आती है तो डॉक्टर उसको अल्प्लाजोलम बहुत ज्यादा लिखता है, तो उसी का ये एग्जांपल है अल्प्लाजोलम नाम से ड्रग मार्केट में टैबलेट भी आता है जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब पर्सन को डॉक्टर लिखते हैं, यानी जो थोड़ा सा मेंटल बिहेवियर एबनॉर्मल शो करता है उसको। लूरा जेपम ईटीसी। अब आएंगे देखेंगे हम लोग सीडेटी। फर्स्ट हमारा ये हुआ, ये दूसरा है सीडेटिव। सीडेटिव में सीडेटिव्स एंड इसी में हिप्नोटिक्स भी इंक्लूड है, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो सीडेटिव इज ए ड्रग दैट रिड्यूस एक्साइटमेंट। सीडेटिव इज ए ड्रग दैट रिड्यूस एक्साइटमेंट, दैट रिड्यूस एक्साइटमेंट पेन एंड एक्साइटमेंट पेन एंड लोअर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी लीडिंग टू स्लीप। इसी में अब हम लोग हिप्नोटिक्स हिप्नोटिक्स में देखेंगे इट इज अ ड्रग दैट इंड्यूस स्लीप। इट इज ए ड्रग दैट इंड्यूस स्लीप, यानी कि सोने की टेंडेंसी को बढ़ाएगा, यानी नींद आएगा इसको लेने से ज्यादा। दैट इंड्यूस स्लीप दीज आर सीएनएस डिप्रेसेंट, दीज आर सीएनएस डिप्रेसेंट। सीएनएस को डिप्रेसेंट करने का काम करता है, एग्जांपल बारबिट्यूरेट्स, बारबिट्यूरेट्स सिंथेटिक ड्रग डिराइव फ्रॉम बारबिट्यूरिक एसिड, सिंथेटिक ड्रग डिराइव फ्रॉम बारबिट्यूरिक बारबिट्यूरिक एसिड। तो ये बारबिट्यूरिक एसिड से डिराइव होकर के आया है। तो ये हमारा जो है वो सीडेटिव ड्रग भी कंप्लीट हो गया है, और हिप्नोटिक्स को इसी को ऑल्सो कॉल्ड
स्लीपिंग पिल, तो इसको स्लीपिंग पिल भी हम लोग कहते हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे ओपियोइड्स यानी ओपिएट्स के बारे में। आज आपको सुनने का काम कम और लिखने का काम ज्यादा है, समझने का काम कम और नोट डाउन करने का काम ही ज्यादा है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे। और एक से दो बार रिवीजन मारेंगे तो इसके मैक्सिमम पार्ट आपको ध्यान में रह सकता है, ठीक है। चलिए अब इसको नेक्स्ट है हमारा, थर्ड में क्या था, थर्ड में है ओपियोइड्स या ओपिएट्स। ओपियोइड या ओपिएट्स के बारे में, ओपियोइड या ओपिएट्स जो है ये एज ए नार्कोटिक्स में यूज होते हैं, इसीलिए इसको नार्कोटिक्स भी बोलते हैं, ओपियोइड नार्कोटिक्स या ओपिएट नार्कोटिक्स। तो ये एक ही साथ की बात है, अलग मत समझिएगा। अब हमारा इसके बारे में हम बताते हैं आपको ये क्या है। तो ये जो है वो, ये जो ड्रग है वो ओपियम प्लांट से डेराइव होता है, ओपियम एंड देयर सिंथेटिक ओपिएट्स, ड्रग डेराइव फ्रॉम, ड्रग डेराइव फ्रॉम ओपियम एंड दे आर सिंथेटिक ओपिएट्स एंड दे आर सिंथेटिक ओपिएट्स। ओपियोइड बाइंड विथ रिसेप्टर ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, ओपियोइड्स बाइंड विथ रिसेप्टर ऑफ, इसके रिसेप्टर सीएनएस में या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट होता है। तो जब हम इसको एज ए ड्रग के रूप में लेते हैं तो ये हमारे सीएनएस के रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड कर जाएगा, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर इसका रिसेप्टर होता है वहां पर जाकर के ये बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करके यह हमें उस दर्द से या फिर थोड़ा सा रिलैक्स करने का काम, सीएनएस को डिप्रेस थोड़ा सा स्लो डाउन करने का काम, ये सारा चीज जो है वह ओपियोइड से होता है। तो वही मैं आपको ये बता रहा हूं कि ओपियोइड बाइंड विथ रिसेप्टर ऑफ सीएनएस एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, दे ऑल्सो कॉल्ड पेन किलर या एनर्जेसिक, दे ऑल्सो कॉल्ड पेन किलर एनर्जेसिक। एनर्जेसिक का मतलब ही पेन किलर होता है। अब आइए ये ओपियम, अभी जो लिख रहे थे वो हम लोग यहां पे हमने स्टार्ट किया है कि ड्रग डिराइव फ्रॉम ओपियम एंड द सिंथेटिक ओपिएट्स, ओपिएट्स उसका सिंथेटिक है और ओपियम जो है वो कंप्लीट नेचुरल है ओपियम, ठीक है। तो ये अब ओपियम के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग। ओपियम को हम लोग अफीम भी बोलते हैं, ओपियम का मतलब अफीम, इज लैटेक्स फ्रॉम अनराइप फ्रूट, इट इज लैटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट, अनराइप फ्रूट ऑफ पॉपी प्लांट होता है, ऑफ पॉपी
प्लांट। तो ये कॉफी प्लांट का नाम है। लैटिस का मतलब समझते हैं, लैटिस का मतलब कि जो फ्लावरिंग प्लांट से जो मिल्की सब्सटेंस निकलता है उसको लैटेक्स बोलते हैं। कंफ्यूजन आपको ना हो, हम यहाँ ब्रैकेट में लैटेक्स का मतलब लिख देते हैं, मिल्क ऑफ फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो कभी कभी प्लांट को कट करके या उस प्लांट के किसी भी पार्ट से कट करके या उससे नेचुरली जो व्हाइट मिल्की सब्सटेंस निकलता है, चाहे स्लाइटली येलोइश कलर का होगा, कलर इसे बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वो जो सब्सटेंस निकलता है उसी को हम लोग लैटेक्स बोलते हैं। तो इट इज लैटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट ऑफ कॉफी प्लांट। पापा हर सोमनी फेरास, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर एंड बीटर इन टेस्ट। इसी का एग्जाम्पल में से एक है। न जाने कितनी बार इसे क्वेश्चन आ चुका है, पपावर सोमनीफेरम, पपावर सोमनीफेरम से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान देंगे इस पे। पपावर सोमनीफेरम इज रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर एंड बीटर इन टेस्ट। इट इज ईटन ऑन, इट इज ईटन ऑन अ स्मोक। या तो इसको खा सकते हैं या इसको स्मोकिंग के रूप में भी मिला करके ले सकते हैं। जैसे सिगरेट का स्मोकिंग होती है उसी तरह से इसका भी स्मोकिंग होता है। तो इट इज ईटन ऑन स्मोक, या तो इसको खा सकते हैं या फिर इसका हम स्मोकिंग कर सकते हैं। ओपॉइड्स है एनाल्जेसिक सीडेटिव नार्कोटिक इफेक्ट। ओपॉइड्स है सीडेटिव एनाल्जेसिक नार्कोटिक इफेक्ट। तो इसके ये सारे इफेक्ट होते हैं। दे स्लो डाउन रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, दे स्लो डाउन रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, दे स्लो डाउन रेस्पिरेटरी एक्टिविटी कॉज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पुपिल ऑफ आई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई के पुपिल को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। थोड़ा सा ओपियम के टाइप देखेंगे, तो टाइप्स ऑफ ओपियम ऑपिएट्स। सबसे पहले तो इसके तीन टाइप होते हैं। एक होता है नेचुरल, सेकेंड सेमी सिंथेटिक, और थर्ड वन जो होता है सिंथेटिक। नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक तीन टाइप में बटे होते हैं। नेचुरल में हम लोग देखेंगे मॉर्फिन के बारे में, मॉर्फिन एंड
मॉर्फिन और स्मैक के बारे में, ठीक है। तो ये जो होगा वो मॉर्फिन एंड कोडीन, हाँ मॉर्फिन एंड कोडीन। सेमी में देखेंगे हम लोग हीरोइन के बारे में, हीरोइन और स्मैक, ठीक है। ये सारा चीज जो है वो हीरोइन में, ये हीरोइन और स्मैक। और इसमें हम लोग देखेंगे कैफेडीन, एक और है इसमें कैफेडीन के साथ साथ मेथाडोन, कैफेडीन और मेथाडोन। तो थ्री टाइप्स के ओपियम जो है वो हम लोगों को देखना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे मॉर्फिन, और सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे कोडीन, उसके बाद थर्ड में हम लोग देखेंगे हीरोइन, और फोर्थ में देखेंगे स्मैक, फिफ्थ नंबर पे हम लोग देखेंगे पेफिडीन, और सिक्स नंबर पे हम लोग देखेंगे मेथाडोन। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ यानी स्मैक के बारे में, फिफ्थ पेफिडीन और सिक्स मेथाडोन के बारे में। तो ये आप याद रखो कि मॉर्फिन एंड कोडीन इज द नेचुरल, हीरोइन स्मैक इज द सेमी सिंथेटिक, पेफिडीन और मेथाडोन इज द सिंथेटिक। ये अलग अलग ये इसी के टाइप हैं। और अभी ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ओपियम, तो ओपियम किसका टाइप है, तो अभी ओपियम इज द थर्ड नंबर जो हम लोग थर्ड नंबर में देख रहे हैं। फोर्थ नंबर में स्टिमुलेंट के बारे में हम लोग देखेंगे, तभी हमारा थर्ड नंबर चल रहा है साइकोट्रॉपिक के बारे में। साइकोट्रॉपिक का थर्ड नंबर ओपियम है, और ओपियम के टाइप हम लोग देख रहे हैं। तो अब ओपियम के टाइप में हम लोग देखेंगे सबसे पहले मॉर्फिन के बारे में। तो मॉर्फिन एक नेचुरल ओपियोइड है, सबसे पहले फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है, तो इट इज नेचुरल नेचुरल ओपियोइड। मॉर्फिन का फॉर्मूला होता है C17 H19 NO3। मॉर्फिन नाम क्यों पड़ा, मॉर्फिन ग्रीक वर्ड जो है वह गॉड ऑफ ड्रीम, मॉर्फियस का नाम है। पहले ग्रीक में ड्रीम के जो गॉड थे उनका नाम था मॉर्फियस, और चूंकि इसको लेने के बाद जो है वह एक आदमी अलग दुनिया में चला जाता है, इतना कॉलनेस आता है, अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं मॉर्फिन, क्योंकि इसका मतलब है यह ग्रीक वर्ड गॉड ऑफ ड्रीम, जिनका नाम था मॉर्फियस, मॉर्फियस। ये ग्रीक वर्ड जो है वह गॉड ऑफ ड्रीम, जिनका नाम था मॉर्फियस से लिया, इसलिए इसका नाम पड़ा है मॉर्फिन। अब देखिए इट ऑल्सो है सो है सिगेटिव एंड काल्मनेस, ऑल्सो है सेडेटिव एंड कॉलनेस इफेक्ट, इट ऑल्सो है सेडेटिव एंड कॉलनेस इफेक्ट। इट कॉज ब्रैडीकार्डिया, कॉज
ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया का मतलब आप जानते हैं स्लो हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट का थोड़ा स्लो हो जाना, तो उसी को कहते हैं हम लोग ब्रैडीकार्डिया। हमारे मार्कर का इंक जो है वह बहुत कम हो चुका है, जो थोड़ा सा मुझे अब अपने मार्कर में इंक डालना पड़ेगा। अब तक आप थोड़े से इस बोर्ड के पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं ताकि मैं अपने मार्कर को थोड़ा सा मार्कर का प्यास बुझा दूं, क्योंकि हमारा मार्कर अब प्यासा हो गया। तब तक रुकावट के लिए मुझे खेद है, बट आप मत रुकिए। यस, अब मेरा मार्कर, गर्मी इतना ज्यादा है इसे भी बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी है। ये हमारा मार्कर पी लिया। पी लिया का मतलब कल जो अल्कोहलिज्म की बात किए थे पी लिया, वो नहीं समझना। स्लो डाउन हार्ट बीट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे पीट रिलीज। पीट रिलीज एडीएच, जब एडीएच निकलता है तो आप जानते हैं यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है, एंड रिड्यूस यूरिन आउटपुट। कॉन्स्टिपेशन अकर्स इन यूज ऑफ दिस, कॉन्स्टिपेशन अकर्स यूज ऑफ दिस रिमार्केबल सिम्टम्स में से एक है। अगर कोई मॉर्फिन का यूज करेगा तो कॉन्स्टिपेशन बहुत हैवी हो जाता है, ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। ठीक है, इट इज सीडेटिव पेन किलर यूज इन सर्जरी। इट इज सीडेटिव पेन किलर यूज इन सर्जरी, यूज इन सर्जरी। अब आइए सेकेंड हम लोग देखेंगे कोडीन। कोडीन इट इज मिथाइल मॉर्फिन इट इज माइल्ड एनाल्जेसिक यह एक तरह का मॉर्फिन ही है, तो यह मिथाइल मॉर्फिन है, माइल्ड एनाल्जेसिक। इट नॉट काउज एडिक्शन, इट नॉट काउज एडिक्शन, इट नॉट काउज एडिक्शन एंड यूज इन कफ सिरप। अब हम लोग एक मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में भी होगा, ठीक है, अगर एनसीईआरटी में है तो आप वहां से भी बना सकते हैं, नहीं तो मैं इस तरह से बना रहा हूं। ठीक है,
ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा मॉर्फिन का, तो ये स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। तो इस तरह से मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट, तो मॉर्फिन हमारा टॉपिक जो है वह कंप्लीट हुआ। अब आइए देखेंगे हम लोग हीरोइन, वो मूवी वाली हीरोइन नहीं है, ये बायोलॉजी की हीरोइन है, ठीक है, जिसके लेने पे मूवी में जैसे हीरोइन को देख करके हमारी आंखें खुश होती है, उसी तरह यहां पर अगर इस हीरोइन को लेते हैं अपने बॉडी में तो आपका पूरा बॉडी अपने आप को खुश महसूस करेगा। बट इस नकली चीजों के बातों में नहीं पढ़ने का कि सर ने ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसा यूज किया, आप अपने दिमाग से सोचिएगा कि इसको लेने से कोई खुशी नहीं मिलती है, सब छलावा है, बेकार की बातें हैं। तो स्ट्रक्चर अगर बन गया हो तो आइए देखिए अब, तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देख रहे हैं हीरोइन के बारे में। तो आप जानते हैं कि सेमी सिंथेटिक ये सब बात आपको पहले हो चुकी है, तो 3 times मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, 3 times मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, 3 times मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, बैंड इन बहुत सारे कंट्री ने इसको बैन कर रखा है, बैन इन मोस्ट कंट्रीज, बैन इन मोस्ट कंट्रीज। केमिकल फॉर्मूला इसका है C17H17O C2H3O 2ON। हीरोइन इज फॉर्म फ्रॉम मॉर्फिन बाय एसिटाइलेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, हीरोइन इज फॉर्म फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो मॉर्फिन एक नेचुरल चीज है और इस नेचुरल में एसिटाइलेशन किए हैं, इस वजह से यह सेमी सिंथेटिक हो गया, ना पूरी तरह से नेचुरल है ना पूरी तरह से सिंथेटिक है। ओके, इट इज डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, इट इज डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, रिड्यूस विजन, रिड्यूस विजन, डिक्रीज बॉडी वेट, स्टेरिलिटी and total loss in work interest, total loss in work work interest। next आइए अब fourth number smack, obtained from latex of coffee plant,
obtain from latex of coffee plant it is crude by product of heroin it is crude by product of heroin it is crude by product of heroin commonly called ब्राउन शुगर ब्राउन शुगर चीपर होता है हीरोइन से तो इसीलिए इसको हीरोइन ऑफ चीपर मैन या गरीबों का हीरोइन ऑफ पुअर मैन गरीबों का हीरोइन है या इट इज चीप सो इट इज पुअर मैन हीरोइन इट इज चीप So, it is poor man heroin. Poor आदमी का क्या है यह Poor man heroin. Next up, अब आ गए हम लोग फिफ्थ नंबर यानी सिंथेटिक में पेरफिडिन ठीक है पेरफिडिन एनाल्जेसिक नियर टू मॉर्फिन एनाल्जेसिक नियर टू हीरोइन एंड मोर देन Near to morphine, sorry, heroin nahi, morphine and more than codeine. It causes less histamine. It causes less histamine. कॉलेज इस्टामी अब सिक्स नंबर है मेथाडोन मेथाडोन इट हैज एनाल्जेसिक इट हैज एनाल्जेसिक रिस्पिरेटरी डेफिशिएंट respiratory deficient constipating action तो ये constipation cause करता है constipating action अब आइए तो fourth number यानी कि साइकोट्रॉपिक ड्रग का फोर्थ नंबर क्या था तो वह स्टिमुलेंट क्या था तो दिस ड्रग स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम दिस ड्रग स्टिमुलेट नर्वस दी ड्रग स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम और इसमें हम लोग तीन चीज को देखेंगे कैफीन फिर कोकीन एंड एम्फिटामिन्स कौन कौन सा कैफीन कोकीन एंड
एम्फिटामिन, ये तीन एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे किसका, तो स्टिमुलेंट के ये तीनों एग्जाम्पल को हम लोगों को देखना है, ठीक है। कैफीन, कोकीन एंड एम्फिटामिन, तो कैफीन, कोकीन और एम्फिटामिन ये तीनों जो है वो इसके एग्जाम्पल है, किसके, तो स्टिमुलेंट के एग्जाम्पल में से एक है ये, ओके। तो अब ये तीनों को हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग तो स्टिमुलेंट में फर्स्ट इट इज 137 ट्राई मिथाइल जैंथीन, इट इज 137 ट्राई मिथाइल जैंथीन, ट्राई मिथाइल जैंथीन, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन बीटर अल्कलॉइड, बीटर अल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम टी लीव्स, टी लीव्स, कोकीन इट इज नेचुरल कोका अल्कलॉइड, नेचुरल कोका अल्कलॉइड, कोका अल्कलॉइड, अल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ leaves of coca, it is bitter white crystalline powder, it is bitter white crystalline powder, crystalline में double L होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज इसके बहुत सारे नाम हैं, ऑल्सो कॉल्ड इट इज गुड वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, इट इज गुड वैसो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। हमारा मार्कर थोड़ा सा फिर से प्यासा हो गया है, इसे मैं फिर से दो बूंद पानी पिला दूं। तो ये इस तरह से स्टिमुलेंट में तीनों चीज देखना है, हम लोगों ने दो चीजों को कवर कर लिया है। गुड वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, अब लास्ट है थर्ड टाइप एम्फिटामिन, एम्फिटामिन ठीक है, सिंथेटिक ड्रग कॉमनली कॉल्ड, सिंथेटिक ड्रग कॉमनली कॉल्ड, ड्रग कॉमनली कॉल्ड एंटी स्लिप ड्रग, एंटी स्लिप ड्रग, एंटी स्लिप ड्रग और सुपरमैन,
पीने के बाद आदमी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है क्योंकि CNS ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है एज दे आर CNS स्टिमुलेंट। देखिए आई बात, एज दे आर CNS स्टिमुलेंट स्टिमुलेंट। तो इस तरह से यह सुपरमैन के रूप में भी इसको यूज करते हैं। तो ये आज हमारा जो है वो साइकोट्रॉपिक ड्रग कंप्लीट हुआ। साइकोट्रॉपिक ड्रग के बाद में है हमारा साइकेडेलिक ड्रग यानी कि हैलुसिनोजेन। हैलुसिनोजेन भी हम लोग दो तरह से देखेंगे, एक होगा हमारा नेचुरल और दूसरा होगा सिंथेटिक, ठीक है। तो उसको हम लोग अब साइकोडेलिक ड्रग को आगे स्टार्ट करेंगे। ओके।